गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दीपा रावत आज आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 10th की मैथ्स चैप्टर 8। बच्चों, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति होती क्या है, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, हम इस चैप्टर में ये समझेंगे। जब हम इसके बेस क्वेश्चंस करेंगे तब आपको इसके परिचय के बारे में या इसकी उपयोगिता के महत्व का पता चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि त्रिकोणमिति की सहायता से हम क्या क्या माप सकते हैं। त्रिकोणमिति की सहायता से हम किसी मीनार या वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करते हैं और दो वस्तुओं के बीच की दूरी भी इससे हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप कहीं घूमने गए और आपने कोई ऊंची मीनार देखी और आपको लग रहा है कि तो भाई बहुत ऊंची है और हमें इसकी ऊंचाई मतलब बहुत जल्दी कैसे ज्ञात करनी है। अगर हम मेज़र करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपको आइडिया लगाना है कि इसकी ऊंचाई कितनी होगी तो आप इस त्रिकोणमिति के प्रयोग से इसकी ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। सपोज आप कुतुब मीनार घूमने गए और आपने देखा कि कुतुब मीनार बहुत लंबा है, तो हमें भाई इसकी ऊंचाई कैसे पता चलनी करेंगे। सपोज़ ये कुतुब मीनार है, ये मैंने ये लाइन ले ली कि बहुत लंबा कुतुब मीनार है और आप यहाँ से खड़े होके देख रहे हैं, आपने देखा कि पूरा ये कुतुब मीनार यहाँ से आप यहाँ तक देख रहे हैं कि तो भाई बहुत लंबा है। तो यहाँ से जो आप देखेंगे कि यहाँ से क्या बनेगा, एक त्रिभुज बनेगा। ये ज़मीन हो गई, आप यहाँ से देख रहे हैं और ये कुतुब मीनार है माना, तो इससे क्या बनेगा, एक त्रिभुज बनेगा। और हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो इसमें त्रिभुज बनेगा वो कैसा त्रिभुज बनना चाहिए, समकोण त्रिभुज बनना चाहिए, तभी हम इससे क्या निकाल सकते हैं, दो वस्तुओं के बीच की दूरी या उनकी ऊंचाई वगैरह हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं कि त्रिकोणमिति को हम इंग्लिश में कहते क्या हैं। इसको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। जब हम इसको ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं तो बच्चों ये वर्ड जो है, शब्द ट्रिग्नोमेट्री तीन शब्दों से मिलके बना है। इसमें है ट्री, पहला वर्ड है ट्री, ट्री मीन्स थ्री यानी कि तीन। गॉन, गॉन ये हो गया, गॉन ये हो गया आपके पास साइड्स, गॉन मीन्स होता है साइड्स यानी कि भुजा। और ये अगली चीज़ आती है आपके पास मैट्रॉन, मैट्रॉन मीन्स किसी चीज़ को मेज़र करना, मापना, ठीक है। यानी कि हम इसमें तीन भुजा वाली आकृति का माप करते हैं। तीन भुजा वाली आकृति कैसी आकृति होगी, त्रिभुज होगी, ठीक है। और कैसा त्रिभुज, वो भी वो होना चाहिए आपके पास समकोण त्रिभुज। तो जो ये पूरा मेज़रमेंट बेस होता है ये आपके पास छः रेशियोज़ होते हैं, ठीक है, उनके बेस पे ही आपको ये करना होता है। इसके लिए हम एक छोटा सा फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगी। आपके पास छः ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ कौन कौन से होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखे भी हैं, अभी मैं इस लाइन पे आती हूँ बाद में। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, और इनके बीच में किसी भी त्रिभुज, किसी भी समकोण त्रिभुज के संबंध में और इनके बीच में क्या संबंध है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इसके लिए हमने एक शॉर्ट ट्रिक लिखी है। मैंने यहाँ पे सबसे पहले आपको एक छोटा सा सूत्र याद रखना है, ये हमने याद करने के लिए डेवलप किया होता है, ठीक है। इसके दो सूत्र हैं, आपको जो भी इजी लगे मैं आपको बताऊँगी, ठीक। पहला सूत्र है, इसको आपको याद रखना है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। पंडित पी से पंडित, बद्री बी से बद्री, प्रसाद से पी, हर से एच, फिर हर से एच और बी से बोल। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। आपको ये लाइन याद रखनी है। एक इसके लिए दूसरा भी है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। तो चलिए, आपको जो भी सूटेबल लगता है लर्न करने में आप उसको लर्न कीजिएगा, पर ज़्यादा सूटेबल आई थिंक यही है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। तो अब भाई ये सोना चांदी क्या है, पंडित बद्री प्रसाद क्या है, हर हर बोल क्या है, मैं आपको बताती हूँ। आपको फॉर्मूले में ऐसे लिखना है, पंडित का पी, बद्री का बी, प्रसाद का पी, हर 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 का एच, फिर हर का एच और बी का बोल लिखा। अब इनके ऊपर आपने ये लिखा है, फिर सोना चांदी तोल, इनके ऊपर मैंने लिख दिया कि SCT। अब देखो, सोना चांदी, सोना मीन्स एस, चांदी सी से स्टार्ट होती है, चांदी की स्पेलिंग CHANDI, चांदी तोल की टी, ठीक है। अब आपको इनको समझना है कि भाई ये बी SCT, पी बी पी, एच 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 क्या है, ठीक है। तो जहाँ पर आपको पी, अब ये एक त्रिभुज के संबंध में क्या है, तो आपको इसको ऐसे समझना होगा कि अगर मैं एक त्रिभुज बनाऊं, कोई समकोण त्रिभुज बनाऊं, तो
मेरे को जो उसकी जो ठीक, अगर मैं यहाँ से देख रही हूँ ठीक है, अगर मैं यहाँ से लेना शुरू करूँ तो जो मेरे को ठीक त्रिभुज के सामने वाली भुजा होती है, त्रिभुज के सामने वाली भुजा होती है वो क्या होती है, उसका लंब। लंब, लंब को इंग्लिश में हम कहते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को दिखाते हैं पी लेटर से, तो यहाँ पे पी मतलब परपेंडिकुलर है लंब जिसको हम कहते हैं, जिस पे त्रिभुज टिका होता है उसको हम कहते हैं उसका आधार, जिस कोण से हम देख रहे हैं, इस कोण से देख रहे हैं तो इसका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, इसका आधार हो गया। आधार को इंग्लिश में कहते हैं बेस, तो बेस का मतलब होता है आपके पास बी। बेस का क्या मतलब होता है, बी। और फिर अगली भुजा होती है आपके पास कर्ण, त्रिभुज के साथ मतलब जिस कोण से हम देख रहे हैं उसके साथ ठीक जुड़ी हुई भुजा, ये वाली हो गई इसकी कोण, कर्ण, सॉरी कर्ण। और कर्ण को कहते हैं हम इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज को हम दिखाते हैं लेटर एच से ठीक है। तो यही यहाँ पे हैं परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज, आपको इतना ध्यान रखना है। और एस सी टी क्या है, साइन कॉस टेन, मैंने बताया कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। तो एस हो रहा है साइन से, सी हो रहा है कॉस से, और टी हो रहा है टेन से ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। बस एस सी टी याद रखेंगे और ये वाला याद रखेंगे तो ये पूरा आपके पास फॉर्मूला बन के आ जाएगा। अब देखिए मैं कह रही हूँ कि साइन की मैं बात कर रही हूँ, हाँ अभी एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि इसके संदर्भ में, कि फिर इसके बाद जो आपने साइन कॉस टेन तो पढ़ लिया, ये तो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने देखे, फिर इसके अलावा जो अगला होगा ठीक है, इसके अलावा क्या होगा, जो अगला रेशियो होगा कॉसेक सेक कॉट, कॉसेक सेक कॉट होता है, कॉसेक जो होता है हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो साइन है उसका क्या होगा, ये उल्टा होगा, कॉसेक जो होगा वो साइन का क्या होगा, उल्टा होगा। यानी कि कॉस हम लिख सकते हैं कि साइन, साइन जो है 1/cosec लिख सकते हैं, या cosec इक्वल्स टू 1/sin भी इसको लिखा जा सकता है ठीक है। उसी ढंग से जो cos और जो sec में रिलेशन होगा वो क्या होगा, cos जो होगा वो क्या होगा, sec का 1/sec होगा, यानी कि इसका उल्टा कर देंगे हम ठीक है, व्युत्क्रम ले लेते हैं हम इसमें, रेसिप्रोकल जिसको हम कहते हैं। फिर उसी ढंग से जो tan होगा, टेन का उल्टा कौन होगा, कॉट, यानी कि टेन थीटा इक्वल्स टू 1/cot थीटा। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी अभी तक, आई थिंक सो। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताते जाती हूँ कि ये पी बी पी चीज़ें होती क्या हैं ठीक है। तो अब हमें इन साइन कॉस टेन में रिलेशन बताना है कि किसी त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के संबंध में इन पे क्या रिलेशन होगा। सपोज ये कोई समकोण त्रिभुज है, मैंने बोला था कि त्रिभुज के ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, कर्ण होती है जिसको हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, जिसके साथ कोण आधार हो गया, जिस पे त्रिभुज टिका है ये आधार हो गया इसका, इसको हम कहते थे बेस इंग्लिश में। और जो ये इसके साथ सबसे लंबी भुजा होती है इसकी क्या होती है, जो ये सबसे लंबी भुजा होती है ये होती है कर्ण, इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस इंग्लिश में। और बच्चों यहाँ पे थोड़ा ये मिस्टेकन हो गया यहाँ पे, बाय मिस्टेक, और इसको पी को हम कहते हैं लंब, परपेंडिकुलर इसको हम कहेंगे, लंब लिखने में हो गई गलती ठीक है, इसको हम कहते हैं इसका लंब, ये त्रिभुज का लंब है, परपेंडिकुलर जिस पे ये टिका है ये कर्ण हो गया, और ये हो गया इसका आधार ठीक। अब इनमें मैंने बोला था कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल ठीक है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, अब मैं एक एक करके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का वैल्यू बताती हूँ आपको कि क्या होगा भाई, इसमें होना क्या चाहिए। अब देखो साइन थीटा, अभी भाई थीटा क्या बला है, थीटा क्या है, कोण है ठीक है, चाहे मैं साइन ए बोलती, मैंने ये मान लिया कि थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है, थीटा यानी कि 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, कितना भी डिग्री, ये कोण की वैल्यू होती है थीटा ठीक है। आप साइन ए भी लिख सकते थे कि ए, साइन ए भी लिख सकती थी, या मैंने थीटा ले लिया। अब मैं यहाँ से देखना शुरू कर रही हूँ ठीक है, मैं यहाँ से देखना शुरू कर रही हूँ, साइन की वैल्यू अगर मेरे को निकालनी है तो ये साइन के साथ क्या आ रहे हैं, पी और एच, पी और एच आ रहे हैं साइन के नीचे, पी और एच, यानी कि साइन इक्वल्स टू क्या होगा आपका, पी बटे एच, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि कर्ण, लंब अपॉन कर्ण, लंब अपॉन कर्ण। तो भाई इसके संदर्भ में लंब कौन सा हो जाएगा इसका, ये वाली भुजा हो जाएगी बी सी है ना, तो इसका ये बी सी अपॉन, और कर्ण क्या हो जाएगा ए सी, एच हाइपोटेनस हो गया, तो इसके लिए हाइपोटेनस क्या हो गया, ये हो गया, ये तो साइन थीटा का निकाल दिया। और उसी प्रकार कॉस थीटा का निकालिए आप, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या हो जाएगा,
बेस ये हो जाएगा आधार और हाइपोटेनस ये हो जाएगी। फिर टेन थीटा का निकाला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर यानी कि ये लंब अपॉन बेस, ये कर्ण हो गया। अब ये साइन कॉस टेन आपने निकाल दिए, फिर उसके बाद मैंने क्या बोला था कॉसेक सेक कॉट, साइन का उल्टा कॉसेक यानी कि इसका उल्टा, ये पी अपॉन एच है तो इसको एच अपॉन पी कर लिया है ना। फिर कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा आ जाएगा, एच अपॉन बी आ जाएगा। फिर टेन थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें आ जाएंगी। जब हम क्वेश्चन करेंगे आपको ज़्यादा क्लियर ये होगा। ये तो इस संदर्भ में था कि जब भाई थीटा हम यहाँ से देख रहे हैं, अगर ये थीटा यहाँ पे होता, अगर मैं कहती कि थीटा की वैल्यू हमें इस यहाँ पे दे रखी है, ठीक है, तब इसके संदर्भ में कर्ण कौन बनता, ये बनता आधार, ये होता लंब, सॉरी तब इसके संदर्भ में लंब ये बनता यानी कि परपेंडिकुलर ये होता इसके लिए, हाइपोटेनस ये होता और बेस ये होता। उसी प्रकार अगर हमें मतलब कोण केवल त्रिभुजों को घुमाना है, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे आपको ये चीज़ ज़्यादा क्लियर होगी कि हम त्रिभुज को कैसे घुमाएंगे, कहाँ से देखेंगे कि कौन इसका परपेंडिकुलर होगा यानी कि लंब होगा, कौन इसका कर्ण होगा और कौन इसका आधार होगा। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नावली 8.1। प्रश्नावली 8.1 में बच्चों इसमें आपको वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। जब आप इसकी वैल्यूज़ निकालेंगे आपको त्रिभुजों की जानकारी अच्छे से होगी और इसके संदर्भ में हम देखेंगे कि क्वेश्चन बहुत ही इजी बन जाते हैं जब हम इन फॉर्मूलों से इसका यूज़ करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, कोण बी पर क्या है ये समकोण बना रहा है 90 डिग्री, ए बी इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। ए बी कितना दे रखा आपको 24 सेंटीमीटर पहले से दिया है, बी सी दे रखा आपको 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, आपको मान निकालना है साइन ए कॉमा कॉस ए। तो देखो जब हमने त्रिभुज का निर्माण किया तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमें त्रिभुज की तीनों साइड्स मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपको दो साइड्स पता हैं, ठीक है, त्रिभुज की आप तीसरी साइड निकाल लो। तो इसमें तीसरी साइड कहाँ से निकलेगी भाई, पाइथागोरस परिमेय से, जो आपने अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ा था। क्या होता था पाइथागोरस परिमेय में कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता था, इस भुजा का स्क्वायर प्लस इस भुजा का स्क्वायर, है ना। तो देखिए इसमें मैं क्या करने वाली हूँ, आपको पता है कि साइन जब हम निकालेंगे, सबसे पहले आप जब साइन ए निकालेंगे, ए कहाँ पे है, ए यहाँ पे, यानी कि हमें यहाँ से त्रिभुज को देखना है सीधा, ठीक है। तो इसके लिए साइन के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसके लिए परपेंडिकुलर तो ये हो जाएगी, ठीक, परपेंडिकुलर इसका लंब ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर मींस लंब और हाइपोटेनस मींस कर्ण ये हो जाएगा। लेकिन हमें तो कर्ण की वैल्यू पता ही नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इस वाली भुजा को हम ज्ञात कर लेंगे। इसके लिए हम पाइथागोरस परिमेय का यूज़ करेंगे। तो पाइथागोरस परिमेय से त्रिभुज ए बी सी में हमारे पास क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर 24 का स्क्वायर प्लस बी सी यानी कि 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 576 प्लस 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49। इन दोनों को ऐड किया 625 आया, लेकिन आपको ए सी स्क्वायर नहीं चाहिए, आपको ए सी चाहिए। तो ए सी इक्वल्स टू अंडर रूट 625 हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 25 सेंटीमीटर, 25 cm आ जाएगा, ठीक है। अब आप रखिए भाई फॉर्मूले में, तो परपेंडिकुलर 7 हो गया और हाइपोटेनस क्या हो गया 25 हो गया, तो 7/25 ये आ जाएगा। जब ये 7/25 आ गया, उसके बाद हमें ज्ञात करना है कॉस ए। कॉस ए यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस, कॉस ए के लिए बेस ये हो जाएगा और हाइपोटेनस ये हो जाएगा, है ना। तो बेस क्या हो जाएगा 24 और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 25, यानी कि 24/25 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट है, हमें निकालना है साइन सी एंड कॉस सी। देखो अभी तक ए था ना, साइन ए एंड कॉस ए, तो हम ए के ए से देख रहे थे, है ना। अब हमें कहाँ से देखना है, यहाँ से देखना है, सी से देखना है, जब साइन सी बोल दिया। तो साइन सी के लिए क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, साइन सी के लिए हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इसके लिए जो परपेंडिकुलर बनेगा, इसके लिए परपेंडिकुलर ये बनेगा, सामने वाली भुजा क्या होती है इसका परपेंडिकुलर होती है ना, लंब होती है, तो ये परपेंडिकुलर हो गई और हाइपोटेनस हाइपोटेनस ही रहेगा, यानी कि 24/25। उसी प्रकार हमारे पास अगला कॉस सी आपको निकालना है। तो कॉस सी के लिए क्या बोला, हम यहीं से देखेंगे सी के लिए बेस, कॉस सी के लिए बेस क्या हो जाएगा, यहाँ से देख रहे हैं बेस ये हो गया और हाइपोटेनस ये हो गया, यानी कि 7/25, ठीक है। तो बहुत सिंपल था। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में।
क्वेश्चन नंबर सेकंड में बच्चों आपका कि आकृति 8.13 यहाँ पे आपको आकृति दे रखी है, में टेन पी माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करो। टेन पी माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है, जहाँ पर आपको पी क्यू की वैल्यू दे रखी है 12 सेंटीमीटर, ये आपको पहले से दी थी, ठीक है। पी क्यू 12 सेंटीमीटर दी है, आप अपनी पुस्तक में आकृति देखेंगे, पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर एंड पी आर इक्वल्स टू आपको दे रखा है 13 सेंटीमीटर, ठीक। आपके पास ये वाली भुजा नहीं है, तो हमें क्वेश्चन को इजी करने के लिए क्या करना होता है कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपको ज्ञात होनी चाहिए। पहले तो दो भुजा ज्ञात हैं, आप तीसरी भुजा पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करिए। जब आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज पी क्यू आर में क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, यानी कि पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। तो आपने लगा दिया, पी क्यू की वैल्यू क्या दे रखी है 13 का स्क्वायर, पी आर क्या है, पी क्यू क्या है 12 का स्क्वायर, एंड क्यू आर आपको निकालना है, क्यू आर स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है। तो ये 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर, 169 माइनस 144 इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास 25 इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर। आपको क्यू आर की वैल्यू निकाली, आपके पास आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। जब ये 5 सेंटीमीटर आ गया, मैंने इसको अलग कलर से लिखा है, जो गिवन थे ना जो पहले से दिए थे उनको एक कलर से लिखा है, इसको अलग कलर से लिखा है 5 सेंटीमीटर, ये निकल के आ गया। उसके बाद आप देखिए, आपको निकालना है 10p माइनस कॉट आर, 10p माइनस कॉट आर। अब आपको माइंड में या रफ में आपको ये फॉर्मूला लिखना है, ये वाला पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। तो आपको देखो, अब 10p चाहिए, 10 ये है 10, टी से 10, तो यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ रहा है, लेकिन आपको कौन सा एंगल देखना है, पी देखना है, पी से देखना है चीज़ों को, ठीक है। पी से देखेंगे आप, जब पी से आप देखेंगे तो पी के संदर्भ में परपेंडिकुलर कौन सी भुजा हो जाएगी, ठीक उसके सामने वाली भुजा, इसके ठीक सामने वाली भुजा कौन है, क्यू आर है, और इसके लिए बेस कौन सा हो जाएगा जिस पर ये टिका है, कोण पी क्यू हो जाएगा, है ना। यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस मैंने क्या लिख लिया, क्यू आर अपॉन पी क्यू, माइनस क्या है आपके पास, कॉट आर। तो कॉट देखो भाई, कॉट कहाँ पर आता है आपके पास, सोना चांदी तोल, ये क्या हो जाएगा साइन, फिर साइन का उल्टा कॉसेक, फिर कॉस का उल्टा सेक, और फिर टेन का उल्टा क्या हो जाता है, कॉट। तो यहाँ पे आपके पास कॉट यहाँ पे आ रहा है ना, ये यहाँ पे तो क्या आता है, कॉसेक आता है इसका उल्टा, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और यहाँ पे टेन का उल्टा कॉट, ठीक है। आपको नेक्स्ट चीज़ निकालनी है कॉट, कॉट निकालना आपको कॉट, लेकिन आर के साथ। तो यहाँ से आप देखेंगे कॉट आर क्या हो जाएगा, कॉट आर के लिए फॉर्मूला, कॉट क्या होता है, अब कॉट को कैसे पढ़ेंगे, टेन का उल्टा, तो टेन तो क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, उल्टा कर दिया फॉर्मूले को, तो क्या हो जाएगा इसके लिए, कॉट आर के लिए जो बेस बनेगा वो क्या बनेगा, कॉट आर के लिए देखो, कॉट आर के लिए बेस क्या है, कॉट आर किस पे है, बेस क्यू आर पे, है ना, और परपेंडिकुलर ठीक सामने वाली भुजा यानी कि पी क्यू। तो अब वैल्यू रख लो भाई, सब कुछ आपको पता चल गया, क्यू आर की वैल्यू क्या है 5, और पी क्यू की वैल्यू क्या है 12, माइनस फिर क्यू आर की वैल्यू क्या है 5, पी क्यू की वैल्यू क्या है 12, यानी कि 5/12 माइनस 5/12 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0। इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 0 ये आ जाएगा,